मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने आपका समांतर श्रेणी चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें इस चैप्टर में आप लोगों को क्या क्या कंटेंट्स हैं, क्या क्या पढ़ने हैं उसके बारे में डिस्कस किया था, कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस पर डिस्कस किया था और कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला पर डिस्कस किया था। आज इस चैप्टर से संबंधित हम लोग कुछ सवाल पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने आपको पिछले दिनों फॉर्मूला याद करने के लिए बोला था और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने यह फॉर्मूला याद कर लिया है। आज कुछ सवाल पर प्रैक्टिस करते हैं। बायां साइड में हमने कुछ और एक्स्ट्रा फॉर्मूला इंक्लूड किया है, तो इस पर जरा सा डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मूला पर, उसके बाद सवाल पर चलेंगे। देखिए, एनमा टर्म के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। एस एन का मतलब हुआ एन पदों का योग, इसका फॉर्मूला एन बटे टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। फिर एस एन का यानी योग का दूसरा फॉर्मूला एन बटे टू इंटू ए प्लस एन। देखो इसमें टू ए है लेकिन इसमें ए है, ए प्लस ए एन। डी मतलब हुआ सर्वांतर या फिर पदांतर, डी बराबर ए टू माइनस ए वन, दूसरा पद घटाओ पहला पद। ए एन एनमा पद का, एस एन घटाओ एस एन माइनस वन। जब तीन पद एपी में दिया हुआ रहे और उस पदों से संबंधित संबंध दिया हुआ रहे, तो आपको तीन पद अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा बनना है। और उसी तरह से तीन पद दिया हुआ रहे तो इन सूत्रों का आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रथम पद घटा द्वितीय पद बराबर द्वितीय पद घटाओ तृतीय पद, प्रथम पद प्लस तृतीय पद बराबर दो गुना द्वितीय पद, या फिर द्वितीय पद बराबर प्रथम प्लस तृतीय बटे दो, ठीक है। जब तीन पद एपी में दिया हुआ रहे तो आवश्यकता अनुसार इन सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है एपी का सामान्य पद। सामान्य पद यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, केमो पद इसमें पूछ दे। जैसे पहला पद ए है, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस टू डी है, चौथा पद ए प्लस थ्री डी है, तो आप ये देख रहे हो कि जितना नंबर भी पद निकाल रहे हैं उसमें डी का जो अंक होता है वह एक कम हो जाता है। जैसे देखो ये पहला पद में तो डी है ही नहीं, दूसरा पद है, ये है दूसरा पद लेकिन एक डी जुटा हुआ है, ये है आपका तीसरा पद है लेकिन दो डी जुटा हुआ है, ये है आपका चौथा पद लेकिन यहाँ पर तीन डी जुटा हुआ है। आप देख रहे हो ना कि इन सारे पदों में, ये सामान्य पद हैं, इन सारे पदों में जितना नंबर भी पद निकालना पड़ता है उसमें डी एक कम हो जाता है। यदि मान लिया जाए हमको 50वां पद पूछे तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 49 डी। यदि मान लिया जाए 61वां पद पूछे तो ये लिख सकते हैं ए प्लस 60 डी, ठीक है। ये हुआ सामान्य पद का मतलब। अब सिर्फ सवाल के अंदर सिर्फ चार पद एपी में दिया हुआ रहे तो ये चारों मानना है अल्फा माइनस थ्री बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस थ्री बीटा। इन चारों पदों के बीच दो बीटा का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट है जब पांच पद एपी में रहे तो उसमें अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस टू बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस टू बीटा मानना है, ठीक है। तो ये था फॉर्मूला और उस पर थोड़ा बहुत डिस्कशन। चलिए अब कुछ सवाल पर चलते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। लिखिए आप लोग और साथ ही साथ वर्क भी पूरा करते चलिए, साथ ही साथ बनाते चलिए। 2, 5, 8 डॉट 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 का 15वां पद ज्ञात करें। क्या मतलब हुआ कि ऐसे यदि बढ़ते जाए तो यह 15वां नंबर में क्या आएगा। जैसे देखो ये पहला नंबर में 2 आया, दूसरा नंबर में 5 आया, तीसरा नंबर में 8 आया, वैसे यदि बढ़ते जाए तो 15वां नंबर में क्या आएगा, ठीक है। तो ये लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन ए बराबर 2, ए का मान कितना है 2, डी देखो 3-3 बढ़ रहा है तो डी बराबर लिखेंगे 3, और 15वां पद यानी n बराबर 15, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, इसीलिए
एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए का मान बैठा दो, ए का मान हो गया दो, एन के जगह 15 माइनस वन इंटू डी का मान 3, ठीक है, ये हो गया आपका 2 जोड़ 14, डायरेक्ट लिख दो, 15 में किया 14, 14 दिया 42, तो 42 तो 44, ठीक है, ये आप इसको फर्स्ट एम कह सकते हो। अब इसको और यदि शॉर्ट एम से बनाना हो सेकेंड दूसरे विधि से, तो थोड़ा सा शॉर्ट इसमें यूज करते हैं हम लोग, ए बराबर 2, डी बराबर 3, केमा पद पूछ रहा है, 15वां पद पूछ रहा है। अभी जस्ट इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था सामान्य पद के बारे में, आपको एक चीज बताया था कि जितना नंबर भी पद आपको लिखना है उसमें डी एक कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पर यदि आपको 15वां पद लिखना है तो लिखेंगे ए प्लस 14 डी, ठीक है, हुआ ओवरऑल यही चीज, बस यही है कि इसमें थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, ए का मान आपको 2 दिया गया है, प्लस 14 गुना 3, 2 जोड़ 42, 42 2 44, ठीक है, तो आपको जो आसानी लगे चाहे ये इस दोनों में आप किसी तरीके से भी बना सकते हो। चलिए दूसरा सवाल पर चलते हैं, अब हम लोग किसी विधि से बना लेंगे तो आप लोग को परेशानी नहीं होना चाहिए। देखिए 7 11 15 डॉट 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 का 25वां पद निकालें। चलिए चलते हैं साथ साथ, सॉल्यूशन जो जो दिया है वो पहले लिख दो, ए 7 दिया है, डी देखो 7 4 11 4 15 4 4 बढ़ रहा है, इसीलिए 25वां पद निकालना है, तो ए प्लस 24 डी लिख सकते हैं या फिर ये सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, ए के जगह 7 प्लस 2 24 इंटू डी का मान 4, 7 प्लस 96 96 7 100, राइट, चलो पूरा कर लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 26 22 18 ... 26 22 18 ... का 29वां पद ज्ञात करें, 29वां पद ज्ञात करना है, मतलब ऐसे पढ़ते जाए तो 29वां नंबर में क्या आएगा, तो ए बराबर हो गया आपका 26, डी हो गया 4, तो हुआ ही 4 4 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर प्लस लिखोगे या माइनस उसके लिए आप ये देख लो कि घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, ये 4 4 कम हो रहा है, तो डी बराबर हो गया -4, इसीलिए 29वां पद पूछ रहा है ए प्लस 28 डी, ए के जगह 26, 28 डी के जगह 4, 26 जोड़ 112 138, समझ गया, तो ये था आपका, ओ सॉरी -4 था, तो -4 ये हो गया, डी के जगह -4 -112, तो 26 112 में 26 गया, 12 में 6 गया 6 -86, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 5√3
ग्यारह रूट तीन, सत्रह रूट तीन डॉट 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 का ग्यारहवां पद ज्ञात करें। तो देख लो भाई सॉल्यूशन, ए बराबर पांच रूट तीन, बी बराबर छ छ बढ़ रहा है, पांच छ ग्यारह, ग्यारह छ सत्रह, तो ये हो गया छ रूट तीन। ग्यारहवां पद पूछ रहा है, ग्यारहवां पद ए प्लस दस डी, ए का मान हो गया पांच रूट तीन, डी का मान छ रूट तीन, पांच रूट तीन साठ रूट तीन, पैंसठ रूट तीन। ठीक है, तो यह हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सात ग्यारह पंद्रह डॉट 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 का एनवा पद ज्ञात करें। कौन सा पद कह रहा है, एनवा पद, तो कोई नहीं, ये सॉल्यूशन ए बराबर सात, बी बराबर चार, इसीलिए एनवा पद ए एन। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मान रख दो a के जगह पर सात, n माइनस वन डी के जगह पर चार, सात चार n माइनस चार, ये कैलकुलेट करके आ गया। पहले n वाला टर्म लिखेंगे, सात में चार गया, चार n प्लस तीन। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अभी तक जो हम लोग सवाल पढ़ रहे थे, उन सारे सवाल में कोई न कोई नंबर पद निकालना था, दसवां बीसवां एनवां अठारहवां। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा दूसरे टर्म पर पहुंचते हैं, दूसरे टर्म के बारे में पढ़ते हैं कि मान लिया जाए आपके पास ऐसा क्वेश्चन रहा, तीन सात ग्यारह डॉट 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 सतासी, तीन सात ग्यारह, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, ग्यारह के बाद पंद्रह उन्नीस तेईस सत्ताईस, इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा, तो यह सतासी निश्चित तौर पर मिलेगा। तो सवाल आपको यह रहेगा कि जैसे तीन से सतासी तक है, तो यहां तक कितना पद है, आप जनरल ऐसे समझो, जैसे दो है पांच है आठ है ग्यारह है चौदह है सत्रह है बीस है, जैसे ये क्वेश्चन है। अब देखो तो कितना पद है, एक दो तीन चार पांच छह सात, सात पद आसानी से समझ गए। अब बीच में ऐसे करके मिटा दें, क्या मतलब, फिर भी वही है, तो आपको ये बताना है दो से लेकर के बीस तक कितना पद, तो वही होगा, आठ के बाद ग्यारह, ग्यारह के बाद चौदह, चौदह के बाद सत्रह, सत्रह के बीच तो वही तीन तीन छह एक सात पद। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये तो थोड़ा कम था तो हम लोग जान गए, लेकिन जब बहुत ज्यादा बीच में संख्या रहेगा, जैसे यही देखो तीन सात ग्यारह, कितना ज्यादा गैप है बीच में, तो इस तरह से लिख करके पता लगाना कि ग्यारह लिखे चौदह लिखे सत्रह लिखे बीस मिल गया, चलो ये हल्का था मिल गया। इसमें देखो ग्यारह के बाद चार चार फर्क हो रहा है, ग्यारह चार पंद्रह, पंद्रह चार उन्नीस, उन्नीस चार तेईस, सत्ताईस इकतीस पैंतीस उनचालीस तैतालीस सैतालीस इक्यावन पचपन, इस तरह से आप देखो कि बहुत सारा संख्या बीच में आ जाता है। तो इसीलिए इस तरह से यदि सवाल दिया हुआ रहे और पद की संख्या पूछे कि पदों की संख्या ज्ञात करें,
तो इसी के लिए आपका यह फॉर्मूला है सबसे पहला नंबर। इसी का प्रयोग करते हुए हम लोग पद का संख्या निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे भाई? पहले लिखेंगे a बराबर 3, फिर चर चर का डिफरेंस है d बराबर 4, ठीक है, a बराबर 3 और d बराबर 4। अब देखो फर्क कितने कितने का है, चर चर का वो तो लिख दिया, अंतिम में क्या लिखा हुआ है 87, तो ए एन बराबर 87। ये जो फॉर्मूला है सबसे पहला नंबर, इसमें तीन चीज हमेशा दिया हुआ रहता है और चौथा निकालने के लिए कहता है। तो ए एन दिया गया है, ए दिया गया है, डी दिया है, एन तो आसानी से आप निकाल सकते हो, इसीलिए इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मान आप रख दो ए एन के जगह 87, ए के जगह 3, एन माइनस वन डी के जगह पर 4। कैलकुलेट करते हैं, 87 बराबर 3 प्लस 4 एन माइनस 4, ये हो गया 87 बराबर 3 में 4 गया माइनस 1 प्लस 4 एन, एक माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, 87 जोड़ 1 बराबर 4 एन, 88 बराबर 4 एन, 22 बार में कट गया, तो 22 बार में जब कट गया तो इसका मतलब हो गया एन बराबर 22, ये हो गया, इसलिए लास्ट में लिख देंगे पदों की संख्या बराबर 22, ठीक है, आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो। तो इस तरह से हुआ, एपी के ही सूत्र का प्रयोग करके हम लोग पद का संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है, चलिए हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको आप लोग पूरा कर लें तेजी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 3, 9, 15, 247 इस तरह से है, 3, 9, 15, 249 इस तरह से के पदों की संख्या ज्ञात करें। चलो आप लोग वर्क करो, पहले 30 सेकेंड का टाइम दिए, जल्दी से वर्क करो, हमसे आगे बनाओ, उसके बाद हम बनाएंगे, जल्दी कीजिए। चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं, a बराबर 3, d बराबर 6 और a n बराबर 249, ठीक है, अब चलते हैं, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 249 बराबर 3 प्लस n माइनस 1 d का मान 6, 3 प्लस 6 n माइनस 6 माइनस 3 प्लस 6 एन, 6 एन 252 बराबर 6 एन, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, एन का मान 42, यही हो गया। चलिए ठीक है, इसको पूरा कर लीजिए तेजी से। चलिए इसी टाइप का एक और सवाल पर चलते हैं, लेकिन ये लैंग्वेज प्रॉब्लम रहेगा। क्वेश्चन है 2, 6, 10 क्वेश्चन है 2 अंकों की
कुल कितनी संख्याएं हैं जो सात जो तीन से विभाज्य है। लिखिए क्वेश्चन लिखिए। देखिए कैसे इस पर बनाना है। अब पहले जनरल सोचो, साधारण तीन से भाग लगने वाला हम लिखते हैं साइड में, तीन छ नौ बारह पंद्रह अठारह इक्कीस इस तरह से है ना, निन्यानबे एक सौ दो एक सौ पांच इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो क्या कह रहा है, दो अंक का, ये देखो इसमें भी तीन से भाग लगता है, इसमें भी सब में लगता है, लेकिन यह सारा कितना अंक का संख्या है, ये भी एक अंक है, ये भी एक अंक है, ये भी एक अंक है, लेकिन बारह के अंक है दो अंक, पंद्रह के अंक है दो अंक। तो हम देख रहे हैं कि यह जो शुरू हो रहा है दो अंक वाला कहां से हो रहा है, बारह से हो रहा है। वैसे भी देखो 105 में तीन से भाग लगेगा, 102 में भी लगेगा, लेकिन 105 कितने अंक का है, तीन अंक का, 102 कितने अंक का है, तीन अंक का, 99 कितने अंक का, दो अंक का। तो अंतिम संख्या कितना मिला, 99, और पहला संख्या कितना मिला, 12। तो इसको भी हम लोग एपी का एप्लीकेशन करके प्रयोग करके बनाते हैं। तो एपी हो गया हमारा 12 15 18 ... ठीक है, 12 15 18 और लास्ट वाला 99। क्लियर। चलो अब देखो ए का मान, अब जब एपी आपको निकल गया तो ए बराबर 12, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 99। और ये तो आप लोग अब भी जस्ट बनाए थे, इसीलिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको मान बैठा देते हैं, 12 प्लस एन माइनस वन इंटू तीन, 12 प्लस 3 एन माइनस 3, 9 प्लस 3 एन, 99 घटा 9 बराबर 3 एन, दिस इंप्लाइज 90 बराबर 3 एन, 3 से कट गया 30 बार में, एन बराबर 30। इसका मतलब ये है कि दो अंक का 30 ऐसा संख्या है जिसमें आपका तीन से पूरा पूरी भाग लग जाएगा। अब दो से ज्यादा अंक रहेगा, तीन अंक चार अंक पांच अंक, उसको कैसे बनाएंगे। चलिए एक सवाल ले लेते हैं, एक सवाल ले लेते हम लोग, तीन अंकों की कुल कितनी संख्या है जो सात से विभाज्य है। तो इसमें भी वही लिखेंगे एपी बराबर, लेकिन कहां से शुरू करेंगे और कहां से लास्ट करेंगे इसको समझने के लिए यहां पर मैं नीचे में अच्छे से बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि कौन वाला शुरू वाला होगा, कौन वाला लास्ट वाला होगा, ध्यान दीजिएगा। ये यदि आप समझ गए तो तीन अंक रहे, चार अंक रहे, पांच अंक रहे या दस अंक रहे, कुछ भी रहे, आप लोग आसानी से बना सकते हो। तो यहाँ पर कितना अंक के लिए कह रहा है, तीन अंक। तो आप पहले तीन अंक का सबसे छोटा संख्या खोजो, कितना मिलेगा, 100 मिलेगा, और चार अंक का पूछता तो 1000, खैर तीन अंक का पूछ रहा है, सबसे छोटा चुन लिए। अब तीन अंक का सबसे बड़ा चुन लो, 999। ठीक है, चलो इसमें भी सात से भाग देना है क्योंकि सात से पूछ रहा है, इसमें भी सात से भाग देते हैं, भाग ध्यान देंगे, एक बार में लगा 7 3 0 7 4 28। देखो 28 शेष कितना बचा, 2 बचा। अब 2 को यदि आप इसमें घटा देंगे, 2 को यदि आप इसमें घटा देंगे तो 100 में यदि कुछ भी घटेगा तो यह क्या अंक का संख्या हो जाएगा, 2 अंक का संख्या हो जाएगा। इसीलिए इसमें ध्यान रखना है कि छोटा संख्या में जितना बार में भाग लग रहा है उतना बार में भाग नहीं देना, बल्कि एक बार ज्यादा भाग दे दो,
यहाँ पर चार बार में भाग लग रहा था, लेकिन हम लोग पांच बार में भाग देंगे, एक बार ज्यादा जितना लग रहा उससे एक ज्यादा, तो चार बार में लग रहा था हम लोग पांच बार में दिए, शेष बचा आपका कितना माइनस पांच। तो हमको करना क्या है, 100 में पांच जोड़ देना है, 105 यानी ये शुरू वाला होगा 105। अब उसमें सात सात जोड़ते जाओ, 112, 112 सात, 119 ऐसे करना है। तो कैसे निकालना है, शुरू वाला सीख गए कि सबसे छोटा अंक का तीन अंक का संख्या लेंगे, उसमें जिससे भी कहेगा भाग लगना चाहिए उससे एक बार ज्यादा भाग देंगे, और जो शेष बचेगा उसको 100 में जोड़ देना है, जस्ट लाइक सबसे अंतिम वाला लिखने का नियम यहाँ है। सात से भाग दिया, सबका सात, दो नौ, सात चौके 28, एक नौ, तो इसमें लास्ट वाला में 999, देखो 999 में यदि आप कुछ भी जोड़ते हो, एक भी जोड़ते हो, तो ये हो जाता है 1000। क्या अंक का संख्या बन गया, ये चार अंक का बन गया, लेकिन यहाँ कितना अंक का कह रहा है, तीन अंक का। इसलिए ध्यान रखना है इसमें कि इसमें जितना बार में भाग लग रहा है उतना बार ही भाग दीजिए, तो 19, तो 7 × 2 = 14 दो बार में, शेष कितना बच गया, पांच। तो जितना बार में भाग लग रहा है उतने बार दीजिए, और जो शेष बचेगा उसको 999 में घटा दीजिए 994, यानी लास्ट वाला 994। समझ में आया, ये दोनों रफ आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, क्योंकि वर्क देंगे तो उसमें आपको समझने में बनाने में आसानी होगी। तो लिखते हैं a बराबर 105, d बराबर 7 और an बराबर 994। चलिए आप सूत्र लिखते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an के जगह 994 बराबर 105 जोड़ n माइनस 1 इंटू 7, 994 बराबर 105 जोड़ 7 n घटाओ 7, 994 बराबर 105 में 7 गया 98 जोड़ 7 n 98 इधर आकर के घट गया, 7n 896 7n 7 से कटा दो, 7 × 7 = 7 × 14 = 7 × 8 = 56 128 बार में कट गया n बराबर 128। समझ गया, चलिए इसको पूरा कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आठ कोमा 15, 22, 29 ……… के 25 पदों का योग ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, योग निकालना है। योग का मतलब हुआ एसएन निकालना, एसएन का ये दो सूत्र लिखा हुआ है, देखो हम लोग जरूरत के हिसाब से यूज करेंगे। ए बराबर हमारा हो गया 8, डी 8 × 7 = 15, 15 × 7 = 22, डी बराबर 7 और एन बराबर हो गया 25, क्योंकि 25 पदों का योग पूछ रहा था, इसीलिए एस एन बराबर एन बटे 2 × 2a एन माइनस 1 इंटू डी। चलो मान रख दो भाई, एन के जगह पर 25 बटे 2 × 2a, ए के जगह पर 8, एन के जगह 25 घटाओ 1 इंटू डी, डी के जगह पर 7, 25 बटे 2 × 16 =
24 गुना 7, ठीक है, 25 बटे 2, 16 जोड़ 24 सत्ते 168, ये हो गया 25 बटे 2 गुना 168, 74 10 184 कट गया, 2 × 18 2 × 4, अब इसको गुना कर दो, 25 × 50 25 × 225 5 230, ठीक है, ये हो गया आपका 25 पदों का योग का फॉर्मूला। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, लिखिए पूरा कर लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5, 8, 11 के n पदों का योग ज्ञात करें, कितना पदों का, n पदों का। देखिए सॉल्यूशन, a बराबर हो गया 5, d बराबर हो गया 3, 3 बढ़ रहा है और n ही पदों का योग पूछ रहा है, इसलिए n बराबर n a हो गया, तो वो लिखना नहीं है, डायरेक्ट लिखना है एस एन बराबर एन बटे 2 2a n-1 × d। चलिए मान बैठा देते हैं इस पे, n के जगह कुछ नहीं करना है, n छोड़ देना है, तो a के जगह 5, n-1, d के जगह पर 3, 10 × 3 n-3, n बटे 2 3 n, 10 में 3 गया 7, तक छोड़ देंगे। तो समझ गए आप लोग, आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी बहुत कुछ एप्लीकेशन आप लोगों को पढ़ना है, उसके बारे में आप कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब फिलहाल इस पर जो भी आपको पढ़ाया गया है उस पर आप लोग वर्क लिखिए। चलिए क्वेश्चन, पहला नंबर, 3, 8, 13 ... का 18वां पद ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 6, 13, 20 ... का n-वां पद ज्ञात करें। तीसरा, 8√2 11√2 14√2 ... का 26वां पद ज्ञात करें। चौथा, 2.3, 5.3, 6.3, 10.3 ... का 15वां पद ज्ञात करें। नेक्स्ट, 74, 71, 68 ... का 31वां पद ज्ञात करें। छठा, 8, 12, 16 ... के 24 पदों का योग ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 7वां, 8, 13, 18 ... के
एन पदों का योग ज्ञात करें। आठवां नंबर 132, 129, 126 डॉट 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 के 25 पदों का योग निकालें। नेक्स्ट, दो अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जो दो अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य है। दसवां, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चंस आप लोगों को कल वर्क के लिए दिया जा रहा है। इन सारे सवालों को आप लोग कल पूरा कर लेंगे और कल हम लोग इस चैप्टर के कुछ और पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।